तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करें नाडोक्सिन ऑइंटमेंट के बारे में। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। तो कब डॉक्टर आपको इसे रिकमेंड कर सकते हैं या कब आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए? जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो क्या फ़ायदे मिल सकते हैं और क्या साइड इफेक्ट देखने को आ सकते हैं? तो इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी जानकारी शेयर करने वाला हूँ, तो आप वीडियो के अंत तक। नाडोक्सिन ऑइंटमेंट को देखा जाए तो इसे होखार्ड लेबोरेटरी द्वारा बनाया जाता है और इसका जो पैक है वह 5 ग्राम का ही। आप जो देख रहे हैं सैंपल पैक है और जो इसका ब्रांड में जो अवेलेबल है मार्केट में इसका ब्रांड वह 5 ग्राम का ही अवेलेबल है, तो जिसकी कॉस्ट है 62 रुपीज। तो नाडोक्सिन ऑइंटमेंट जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि और भी आप फ्यूचर में बहुत सारे मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से अपने आपको अपडेटेड रखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल ऐड किया गया है नोडीफ्लोक्सासिन है, जो एक एंटीबायोटिक है, और इसका इस्तेमाल तभी किया जाता है जैसे कि आपको कहीं खरोच लग गई है जहाँ पे छिल गया है, या जैसे कि आपको छोटा मोटा कहीं कट गया है, जल गए हैं, या जैसे कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, फोड़ा फुंसी हुआ, या जैसे कि आपको बाल तोड़ वगैरह हुआ है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मोस्टली डर्मेटोलॉजी इसका इस्तेमाल जो करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के प्रिवेंटेशन के लिए करते हैं, जैसे कि आपका केमिकल पीलिंग हुआ है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि माइक्रोडर्मा एब्रेशन हुआ जिसमें आपको डर्मा रोलर हुआ है, या जैसे कि आपको केमिकल पील हुई है, या जैसे कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, या जैसे कि आपको PRP हुआ है जिसमें आपका ब्लड वगैरह लेते हैं, या जैसे कि सैम्पलिंग वगैरह होता है जिसमें थोड़ा बहुत कट जाते हैं, तब इसका इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं डॉक्टर। तो काफ़ी अच्छा है ये ऑइंटमेंट है, तो काफ़ी समय तक चलता है और जैसे कि ये जल्दी वाटर से वॉशेबल नहीं रहता है, तो जैसे स्वेटिंग वगैरह होती है तभी भी है आपके स्किन से बना रहता है। तो टॉइस जल्दी इसका इस्तेमाल करना रहता है आपके अफेक्टेड एरिया पे। तो अगर आपको इसका इस्तेमाल करना है तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर इसके बारे में डिस्कस करें, उसके बाद ही आप इस्तेमाल करें। अगर आप खुद से इस्तेमाल करते हो सकता है जहाँ पे आप इस्तेमाल करें वहाँ पर रेड रेड पैचेस देखने को मिले या स्वेलिंग देखने को मिले, या जैसे कि वहाँ पर आपको इरीटेशन इचिंग महसूस हो सके। तो मोस्टली अवेलेबल मिल जाता है सारे जगहों पर मेडिकलों में, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं तो अगर आप वीडियो चैनल पर पहली बार विजिट किए, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा। फ्यूचर में ऐसे मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से अपडेटेड रहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।